हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नेटिव विजडम, सो दिस इज पार्ट वन। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटिव विजडम, नेटिव मीन्स पैदाइशी, मीन्स जो जिस जगह पैदा होता है वो उस जगह का नेटिव कहलाता है, एंड विजडम मीन्स अकल। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there was a poor South American hunter called Leon Mulino. तो एक बार की बात है, एक poor South American hunter था, शिकारी था, hunter means शिकारी, जिसका नाम था Leon Mulino. He lived on the outskirts of Manaus in Brazil and earned a living by working as a guide for tourists who came to see the wildlife in the Amazon rainforest. Outskirts means city के बाहर का इलाका, सिटी से हटकर दूर का जो इलाका होता है उसे आउटस्कर्ट्स कहते हैं। तो लियोन जो है वो ब्राजील में एक सिटी है जिसका नाम है मैनोस, वहां के आउटस्कर्ट्स में रहता था और अपनी जीविका किस तरह से चलाता था। जो भी लोग अमेज़न रेन फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते थे वो उनका गाइड बन जाता था, वो उन टूरिस्ट का गाइड बन जाता था। अमेज़न रेन फॉरेस्ट मीन्स व्हाट? अमेज़न इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लोस थ्रू रेन फॉरेस्ट्स अक्रॉस साउथ अमेरिका। तो अमेज़न जो है वो दुनिया का लार्जेस्ट रिवर है जो कि रेन फॉरेस्ट के थ्रू फ्लो करता है पूरे साउथ अमेरिका में। और रेन फॉरेस्ट मीन्स व्हाट? रेन फॉरेस्ट मीन्स वर्षा वन, वैसे वन जहाँ की बहुत ज्यादा बारिश होती है, वैसे वनों को रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो जो भी टूरिस्ट आते थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए तो लियोन उनका गाइड बन जाता था और इसी तरह से वो अपनी जीविका चलाता था। गाइड किसे कहते हैं? लाइक हम लोग किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाते हैं तो हम लोग वहाँ गाइड हायर करते हैं, वो गाइड जो है वो हमें उस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वहाँ के मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बताते हैं, तो उन्हें ही गाइड कहते हैं। तो लियोन का भी सेम काम था, वो भी यही करता था। जो भी लोग वाइल्ड लाइफ देखने आते थे अमेज़न रेन फॉरेस्ट की वो उनका गाइड बन जाता था, उन्हें वहाँ की चीजों के बारे में बताता था। लियोन लव्ड द फॉरेस्ट एंड दो ही डिड नॉट मेक अ लॉट ऑफ मनी ही एंजॉयड हिज वर्क। लियोन को फॉरेस्ट से बहुत प्यार था, हालांकि वो ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाता था लेकिन उसे अपना काम बहुत पसंद था, वो अपने काम को काफी एंजॉय करता था। एंड देन देयर वाज ऑलवेज द चांस दैट अ रिच टूरिस्ट इफ प्लीज्ड विद लियोन वुड गिव हिम अ जेनरस टिप। टिप मींस व्हाट? टिप इज अ सम ऑफ मनी गिवन एज अ रिवॉर्ड फॉर अ सर्विस। टिप जो है वो एक सम ऑफ मनी है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे जो होते हैं उसे टिप कहते हैं, जो कि हम लोग किसी की सर्विस से खुश होकर उन्हें देते हैं उसे टिप कहते हैं। तो हालांकि लियोन ज्यादा पैसे अर्न नहीं कर पाता था लेकिन उसके पास हमेशा एक चांस होता था कि अगर कोई रिच टूरिस्ट उसके काम से खुश हो जाए, प्लीज हो जाए, तो वो उसे एक जनरस टिप दे सकते हैं। इफ यू वांट टू सी द वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स इन अ रेन फॉरेस्ट यू हैव टू वॉक अलोंग द मेनी स्मॉल नैरो ट्रेल्स मेड बाय एनिमल्स लाइक टेपर एंड पेकरीज ऑन देयर वे टू द वाटर। ट्रेल्स मींस कंकंडी, खेतों और जंगलों में जो पतला पतला रास्ता होता है उन्हें ट्रेल्स कहते हैं। एंड टेपर, टेपर इज अ हार्बीवोर विद अ स्मॉल ट्रंक फाउंड इन साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। टेपर जो है वो एक हार्बीवोर है जिसका स्मॉल ट्रंक होता है और ये साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं। पेकरीज आर स्मॉल हूफ्ड मैमल्स फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। तो पेकरीज जो होते हैं वो छोटे हूफ्ड मैमल्स होते हैं, मीन्स वैसे जानवर जो कि अंडे नहीं देते, जो कि बेबीज को बर्थ देते हैं और जिनके खूर होते हैं, तो वैसे छोटे छोटे एनिमल्स को पेकरीज कहते हैं। तो अगर आपको रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को देखना है तो यू हैव टू वॉक अलोंग द मेनी स्मॉल नैरो ट्रेल्स। तो आपको बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले ट्रेल्स पर चलना होगा, उन ट्रेल्स पर जो कि टेपर और पेकरीज जैसे एनिमल्स बनाते हैं ऑन देयर वे टू द वाटर, पानी तक जाने के लिए। तो आपको उन्हीं के रास्तों को फॉलो करना होगा। देयर इज वाटर एवरीवेयर इन द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी ही होता है। द फॉरेस्ट एब्सॉर्ब्स द हेवी एंड फ्रीक्वेंट रेन लाइक अ जायंट स्पॉन्ज। और जो फॉरेस्ट है वो हेवी और फ्रीक्वेंट रेन को भी, मीन्स बहुत भारी बारिश और बहुत ज्यादा बारिश और बहुत फ्रीक्वेंट मीन्स रेगुलर बेसिस पे जो बारिश होती है, वैसे बारिश के पानी को भी फॉरेस्ट जो है वो एक बड़े से स्पॉन्ज की तरह आराम से एकदम इजिली अब्सॉर्ब कर लेता है। Then it slowly releases the water in the form of little streams and rivulets that flow along until they eventually join the mighty Amazon. उसके बाद forest जो इन बारिश के पानी को absorb करता है, उनको release कैसे करता है? वो इनको
छोटे छोटे स्ट्रीम्स और रिवुलेट्स के फॉर्म में रिलीज करता है. रिवुलेट्स मीन्स स्मॉल स्ट्रीम्स दैट यूजुअली ड्राई अप ड्यूरिंग समर. रिवुलेट्स वैसे छोटे छोटे स्ट्रीम्स को कहते हैं जो कि जनरली समर्स में ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, उन्हें रिवुलेट्स कहते हैं. तो छोटे छोटे स्ट्रीम्स और रिवुलेट्स के फॉर्म में फॉरेस्ट जो है वो एब्जॉर्ब किया हुआ पानी रिलीज करता है, और ये जो स्ट्रीम्स और रिवुलेट्स हैं ये इवेंचुअली कहाँ जाकर मिलते हैं, माइटी एमेजोन में जाकर मिल जाते हैं. इन फैक्ट देयर इज अ वेब लाइक नेटवर्क ऑफ दीज स्ट्रीम्स वाइंडिंग थ्रू द थिक फॉरेस्ट. एक्चुअली इस तरह के स्ट्रीम्स का एक वेब है, एक नेटवर्क है, पूरा जाल है, एक वक्र बना हुआ है ऐसे स्ट्रीम्स का उस फॉरेस्ट. मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रीम्स हैव सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रीज लाइनिंग देयर बैंक्स एंड इवन ग्रोइंग इन देम. बैंक्स मीन्स किनारा. तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स जो है रेन फॉरेस्ट में उनके किनारों पर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रीज है, मतलब एक लाइन से बहुत तरह के ट्रीज जो है वो है इनके साइड्स पर, स्ट्रीम्स के साइड्स पर, और कुछ ट्रीज ऐसे भी हैं जो कि इनके अंदर ग्रो कर रहे हैं. द डाइज फ्रॉम सम ऑफ दीज ट्रीज सीप इनटू द वाटर टर्निंग इट इनटू अ सर्टेन कॉफी कलर. डाई मीन्स कलर. तो उनमें से कुछ ट्रीज का जो कलर है वो सीप कर रहा है, मीन्स रीस रहा है, और रीस कर पानी में जा रहा है, जिसकी वजह से पानी का जो कलर है वो कॉफी कलर में टर्न आउट हो जा रहा है, बदल जा रहा है. Although you cannot see through the water, it is perfectly clean and good to drink. हालांकि वो जो पानी है वो सी थ्रू नहीं है, मीन्स आप पानी के आर पार नहीं देख सकते, बट वो जो पानी है वो परफेक्टली क्लीन है, बिल्कुल साफ है और पीने के लिए अच्छा है. When you walk the trails, you have to cross several such streams in the course of a day's trek. Trek means यात्रा. तो अगर आप एक दिन के ट्रैक पर निकलते हैं, मीन्स रेन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए अगर आप एक दिन के ट्रैक पर निकलते हैं, तो आप जब उन ट्रेल्स पर चलेंगे, पतले पतले पगडंडियों पर चलेंगे, तो आपको इस तरह के बहुत सारे स्ट्रीम्स को क्रॉस करते हुए जाना होगा. One day, Leon was accompanying a rich tourist who had come on a business trip to Brazil and wanted to see the rainforest. एक दिन लियोन जो है वो एक रिच टूरिस्ट के साथ होता है जो कि एक बिजनेस ट्रिप के लिए ब्राजील आया हुआ होता है और उसे रेनफॉरेस्ट देखना होता है. Unfortunately, this was the kind of man who thought of forests only in terms of wood that could be extracted. And who thought that all forest dwellers were stupid and ignorant only because they often could not read and write. Forest dwellers means people who live within forests. वैसे लोग जो कि जंगलों में ही रहते हैं उन्हें forest dwellers कहते हैं. वो tourist जो कि business trip पर आया हुआ था, जिसे कि rain forest देखना था, वो उस तरह का इंसान था जिसकी इस तरह की सोच थी कि उसका एक perception बना हुआ था कि forest जो है वो उससे बस लकड़ियां ही निकालना है, उससे हमें बस लकड़ियां मिल सकती हैं. और साथ ही साथ उसकी सोच इस तरह की थी कि उसे लगता था कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते हैं वो स्टूपिड होते हैं और इग्नोरेंट होते हैं. उसे ऐसे इसलिए लगता था जस्ट बिकॉज कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं वो पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, तो इसलिए उस टूरिस्ट के अकॉर्डिंग वो स्टूपिड और इग्नोरेंट होते हैं. आह बकमैन, ही सेड टू लियोन, सो व्हाट डज योर रेन फॉरेस्ट हैव दैट इज वर्थ सीइंग. बकमैन मीन्स a rude way to refer to a forest dweller. Rude तरह से किसी forest dweller को बुलाना अगर होता है तो लोग उसे buckman कहकर बुलाते हैं. तो वो जो tourist है वो भी Leon को buckman कहकर ही बुलाता है और उससे पूछता है कि so what, तुम्हारे rainforest में ऐसा क्या है जो कि देखने लायक है. Leon did not reply except to say sir my name is Leon. तो Leon जो है वो उसकी बात का, tourist की बात का जवाब नहीं देता, बस उसे इतना कहता है कि सर मेरा नाम Leon है. No offense, pal, said the man, but all you South American tribesmen are called buckmen, aren't you? No offense, pal. Pal means dost. So, tourist kehta hai ki, bura mat mano dost, but South American tribesmen, matlab South America ke jitne bhi kabile wale log hai, un sabhi ko buckmen hi bola jata hai, nahi? Not by our friend, said Leon. Tabhi Leon kehta hai ki, humare dost jo hai, wo humme buckmen nahi bulate. Just then, Leon saw a trail off the bank of the river. Tabhi, लियोन को रिवर के बैंक पे, मीन्स रिवर के किनारे पर ट्रेल दिखता है, पतला रास्ता दिखता है. सो ही ब्राउट द बोट दे हैड बीन ट्रैवलिंग इन टू द साइड एंड टाइड इट टू एन ओवरहैंगिंग ब्रांच. तो वो जिस बोट पर टूरिस्ट और लियोन ट्रैवल कर रहे होते हैं वो उस बोट को रिवर के बैंक पर साइड पर लेकर आता है और ऊपर जो ब्रांच हैंग कर रहा होता है उस ब्रांच में उस बोट को वो बांध देता है. He and his companion then got out of the boat and stepped onto the trail. उसके बाद जो टूरिस्ट है और लियोन है वो दोनों बोट से उतरते हैं और ट्रेल पर चलने लगते हैं.
Leon bent down and took his shoes off and having tied them together by their laces, threw them over his left shoulder. तो जैसे ही वो लोग बोट से उतरते हैं और ट्रेल्स पर चलने लगते हैं तो लियोन क्या करता है, वो अपने दोनों शूज निकाल लेता है और दोनों शूज को आपस में उनके लेसेस से बांध देता है और अपने शोल्डर पर कैरी कर लेता है, मतलब फेंकते हुए अपने शोल्डर पर कैरी कर लेता है. His companion was confused by this and said, "Hey man, shoes are for the feet, not for carrying over your shoulder." तो ये देखकर जो टूरिस्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो लियोन से बोलता है कि हे मैन, शूज जो है वो फीट के लिए होते हैं, शोल्डर्स पर कैरी करने के लिए नहीं होते. आई वर यू आई वेयर देम, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उन्हें पैरों में पहनता. लियोन डिड नॉट से एनीथिंग एंड वॉक्ड अलोंग बेयरफुट. लेकिन लियोन जो है वो उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं देता और नंगे पांव ही चलने लगता है. शेकिंग हिज हेड इन कंफ्यूजन एट द स्टुपिडिटी ऑफ द नेटिव्स, द टूरिस्ट फॉलोड हिज गाइड. तो उसके इस बिहेवियर को देखकर जो टूरिस्ट है वो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कितना स्टुपिड है ये, शूज निकाल लिया है और उसे अपने शोल्डर्स पर कैरी कर लिया है. तो वो अपना सर हिलाता है टूरिस्ट और उसकी एक्टिविटी से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे चलने लगता है. दे पास थ्रू सॉलिड वेजिटेशन, डार्क डैम्प एंड अपीयरिंग टू बी डिवॉइड ऑफ एनी लिविंग बीइंग. डिवॉइड मींस विदाउट. तो वो लोग इस सॉलिड वेजिटेशन से गुजरते हैं. सॉलिड वेजिटेशन मीन्स ठोस वनस्पति, वनस्पति मीन्स पेड़ पौधे लाइक प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स. तो वो लोग ऐसे जगहों से गुजरते हैं और वो जो एरिया होता है वो डार्क होता है, मीन्स थोड़ा अंधेरा वाला होता है, डैम्प होता है, गीला होता है और ऐसा लग रहा होता है उस एरिया में देखकर कि यहाँ पर कोई भी लिविंग बींग नहीं है. इट वॉज ओनली वेन लियोन स्टॉप्ड एंड ड्रू हिज अटेंशन दैट द टूरिस्ट वुड सी द मेनी मेनी डिफरेंट क्रिएचर्स ऑफ द रेन फॉरेस्ट. ड्रू हिज अटेंशन मीन्स मेड हिम नोटिस थिंग्स. किसी को कुछ नोटिस करवाना, किसी को कुछ दिखाना, कुछ नोटिस करवाना, उसे ड्रू हिज अटेंशन कहते हैं. तो जैसे ही वो लोग उन जगहों से गुजरते हैं तो लियोन अचानक से रुक जाता है, ठीक है, और टूरिस्ट का जो अटेंशन है वो बहुत सारी चीजों पर लेकर जाता है, उसे बहुत सारी चीजें नोटिस करवाता है सो दैट वो रेन फॉरेस्ट के बहुत सारे डिफरेंट क्रिएचर्स को देख सके. सो दैट्स ऑल. होप आपको यहां तक चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल एक्सप्लेन इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन बाय.